हज मोहम्मद आ गए, हज अहमद आ गए, हज मुस्तफा आ गए, हज मुजतबा आ गए, हज रहमत बन गए, हज करम बन गए, हज फजल बन गए, हज अलल इलान सुल्तानी कह रहा है। अल्लाह की कसम कई ना डालिया, मेरे नबी वर्गा नबी कोई नहीं, मेरे रसूल वर्गा रसूल कोई नहीं, मेरे आका वर्गा आका कोई नहीं। असी अलल इलान ये हुई जुमला बोल के कह रहे हैं, आका सरकार मैं बिस्मिल्लाह करा, आ गए सरकार मैं बिस्मिल्लाह करा, नबियां दे सरदार मैं बिस्मिल्लाह करा। अलल इलान कह रहे हैं, मेरे नबी वर्गा नबी कोई नहीं, मेरे रसूल वर्गा रसूल कोई नहीं, हे नबियां दा इमाम बन के आया, हे नबियां दा सरदार बन के आया। मेरे नबी ने फरमाया कायनात आलियो, मैं नबियां दा इमाम बन के आया, मैं नबियां दा सरदार बन के आया। सारे नबी मेरे नबी दे उम्मती ने, मेरे नबी दे मुक्तदी ने। मेरा नबी इमाम है, मेरा नबी सरवर है, मेरा नबी आला है, मेरा नबी अफजल है। हलल ऐलान कह रहे हैं, हजूर दी शान कल भी आला, हजूर दी शान अज भी आला, हजूर दी शान कियामत तक आला, हजूर दी शान कियामत तो बाद भी आला। हजरा जुमले सुनिया रे, हलल ऐलान कह रहे हैं, अज असी नारे मारने हैं, अज असी गलियां सजाने हैं, अज असी जश्न मनाने हैं, अज असी दिल सजाने हैं। एहो ही ऐलान करके आने हैं, अज सोना आ गया वे, अज करम लैके आ गया वे, अज फजल लैके आ गया, अज मेहरबानी लैके आ रहा है। हजरात जुमले सुनिया रे, इसे वास्ते सुल्तानी कह रहा है, वमा हर सल्ला का इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ऐ नबी, वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन। जिमें मेरा नबी सजिया, इंज नबी सजिया कोई नहीं, जिमें मेरा नबी आया, इंज नबी आया कोई नहीं, जिमें मेरा नबी अरशां ते गया है, इंज नबी अरशां ते गया कोई। आज दी ए खूबसूरत महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, जनाबे भाई मोहम्मद जमील साहेब उन्हां दे डेरे दे उते अज दी ए बज़म सजाई गई है। दुआ गोवां अल्लाह करीम भाई जमील साहब नूं सेहत व तंदुरुस्ती अदा फरमाए, अल्लाह इन्हां दा इंतजाम करना बंदोबस्त करना अल्लाह अपनी पाक बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए। जिस तरह साडा बयान दा टाइम सी 11:30 बजे दा ते लेट हो गया निज़ाम, असी आज़ाद कश्मीर पहुँचना है, आज़ाद कश्मीर कोटली तकरीबन 6 घंटे का सफर, तो यही कोशिश सी कि 1 बजे तक फारग हो जाइए, तो क्योंकि सफ़र भी लंबा तवील है, तो इस वास्ते जिन्हें लोग तुसी आए बैठे हो, मैनू भाई जवेद साहब वैदान साउंड सिस्टम ये दस रहे सन कि अल्लाह ताला ने जमील साहब नू फालज तो शिफा अता फरमाई है, तो ये बड़ी वड्डी बात है जी। अल्लाह ने इन्हां दे फजल कीता कमली वाले दे सदके, किदे सदके, कमली वाले साडा ईमान है, साडा यकीन है कि हजूर दे सदके अल्लाह ने इन्हां दे मेहरबानी कीती, अल्लाह ने करम नवाजी कीती कि एडी वड्डी बीमारी तों अल्लाह ने शिफा अता फरमाई।
ते ए बड़ी वड़ी बात होंदी है जी। ते शिफा भी अल्लाह दे फजल नाल, अल्लाह दे करम नाल, अल्लाह दी मेहरबानी नाल है। अल्लाह पाक सारिया का आना, महफल च बहना, जिक्र करना, जिक्र सुनना अपनी पाक बुलंद बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। माशाल्लाह तकरीर शुरू हो गई, तुसी बड़ी मुहब्बत नाल, बड़े जोक नाल, बड़ी उल्फत नाल आए हो। अल्लाह करीम साहब दा आना, मिल बैठना अपनी पाक बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। बाबा जी अल्लाह पाक दा कुरान ऐलान फरमा रहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फरमाया महबूब, अल्लाह ने तुहानू आलमीन वास्ते रहमत बना के भेजे है। की बना के? रहमत। मेरा नबी रहमत है, मेरा नबी करम है, मेरा नबी फजल है, मेरा नबी मेहरबान है। हर बंदे तो मेरा नबी करम करदा। करीम नबी ने तो दुश्मनों से करम किए ने, हजूर ने तो वैरियां से करम किए ने। बाबा जी जेड़ा बंदा हजूर दे दर ते आ गया, अदर तवज्जो फरमा जे, जेड़ा बंदा नबी पाक दे दर ते आ गया, जेड़ा दरे मुस्तफा ते आ गया, ओ भावें अपना ते भावें बेगाना है, मेरे मुस्तफा ने सब नूं अता फरमाया, हजूर ने सब नूं अता फरमाया। नबी पाक 1,24,000 कम बेश पैगंबर ते रसूल आए ने। जमील साहब जिवें अल्लाह ने मेरे नबी नूं शान अता फरमाई है, अल्लाह ने मेरे नबी नूं मकाम अता फरमाया है, ये किसी नबी नूं भी इंजी दी शान नहीं मिली, किसी नबी नूं भी इन्ने मौजज़े नहीं मिले जिन्ने मौजज़े मेरे नबी नूं मिले, जिन्नी शान मेरे आका नूं मिली है, हजूर सरवरे कायनात नूं, हजूर सरवरे कायनात नूं मिली है। साडा ते ईमान है कल क्यामत वाले दिन भी जिथे किसी नबी की नहीं ना चलनी, उत्थे मुस्तफा की चलनी, उत्थे हजूर की चलनी है, जिथे किसी की भी नहीं चलनी। रब्बे काबा की इज्जत की कसम कायनात आलिया, हजूर दे सदके अज बैठे ने सामने, हजूर की करम नवाजी अल्लाह के फजल नाल। नहीं तो यह ऐसी बीमारी है, ये जिंदगी खा जाती है। असं बंदे वेखे ना बाबा जी, ये जिन्ना भी शुक्र अदा करन ना सजदे पै के उन्ना ही घाटे कि अल्लाह ने इन्हों एडी वड्डी बीमारी तो बाहर कढ़िया, शिफा दिती है। तो फिर मैं ना वहां भी शिफा देन वाला भी अल्लाह, क्योंकि हजरत अयूब अलैहिस्सलाम 10 साल आपने बीमारी विच कढ़े ने, 10 सालों तो बाद अल्लाह ने शिफा दिती, दिती कि ना दिती? अल्लाह ने शिफा दिती। अल्लाह ने फरमाया भी अयूब आ जिहड़ा खूह है ना पानी का तेरे कोल, ए नहा तो तू ठीक हो जाएगा। शिफा देने वाला तो अल्लाह सी, फजल करने वाला तो अल्लाह सी, करम नवाजियां करने वाला तो अल्लाह सी, पर अल्लाह फजल सब ते नहीं करता। अल्लाह फजल वो करता जेड़ा फजल मंगे, जेड़ा करम मंगे, जेड़ा मेहरबानियां मंगे, अल्लाह उहदे ते करम फरमांदा है। रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम कायनात आलिया, हजूर दा सदका ही जे सारा कुछ यह निज़ाम चलदा पिया, यह लंगर पकाया जे, लोगों नूं बुलाया जे, क्यों किस वास्ते? कि हजूर साढ़े ते राजी हो जाए। अल्लाह साडे मिलाद दा महीना है, रबी लवल दा महीना है, तो इस वास्ते अलल ऐलान अज मैं तुहाडी सर जमीन दे जमील साहब दे डेरे ते बह के गल शुरू हो गई। अलल ऐलान एक जुमला देन लगा, जुमले जरा समाप्त फरमाया जे। असी ते यही आने अलल ऐलान, असी ऐलान कर गए सारी कायनात नूं इहो ही दस रहे हां, अलल ऐलान ऐलान कर गए हां, आ गए सरकार मैं बिस्मिल्लाह करा, आ गए सरकार मैं बिस्मिल्लाह करा, एक बारी हाथ बुलंद करके, आ गए सरकार मैं बिस्मिल्लाह करा, आ गए सरकार मैं बिस्मिल्लाह करा, हबीबा दे सरदार मैं
बिस्मिल्ला करां नबियां दे सरदार मैं बिस्मिल्ला करां जमील साहब एहो ऐलान कर रहे हैं आ गए सरकार मैं बिस्मिल्ला करां आ गए सरकार मैं बिस्मिल्ला करां नबियां दे सरदार आए हाय आए हाय नबियां दे सरदार मैं बिस्मिल्ला करां नबियां दे सरदार मैं बिस्मिल्ला करां आज मोहम्मद आ गए आज अहमद आ गए आज मुस्तफा आ गए आज मुजतबा आ गए आज रहमत बन गए आज करम बन गए आज फजल बन गए आज अलल ऐलान सुल्तानी कह रहा है अल्लाह की कसम कई ना डालिया मेरे नबी वर्गा नबी कोई नहीं मेरे रसूल वर्गा रसूल कोई नहीं मेरे आका वर्गा आका कोई नहीं असी अलल ऐलान ये हुई जुमला बोल के कह रहे हैं आ गए सरकार मैं बिस्मिल्ला करां आ गए सरकार मैं बिस्मिल्ला करां नबियां दे सरदार मैं बिस्मिल्ला करां अलल ऐलान कह रहे हैं मेरे नबी वर्गा नबी कोई नहीं मेरे रसूल वर्गा रसूल कोई नहीं हे नबियां दा इमाम बन के आया हे नबियां दा सरदार बन के आया मेरे नबी ने फरमाया कहीं ना ता लियो मैं नबियां दा इमाम बन के आया मैं नबियां दा सरदार बन के आया सारे नबी मेरे नबी दे उम्मती ने मेरे नबी दे मुक्तदी ने मेरा नबी इमाम है मेरा नबी सरवर है मेरा नबी आला है मेरा नबी अफजल है हलल ऐलान कह रहे हैं हजूर दी शान कल भी आला हजूर दी शान आज भी आला हजूर दी शान कियामत तक आला हजूर दी शान कियामत तो बाद भी आला हजरात जुमले सुनिया रे हलल ऐलान कह रहे हैं आज असी नारे मारने हैं आज असी गलियां सजाने हैं आज असी जश्न मनाने हैं आज असी दिल सजाने एहो ऐलान करके आने अज सोना आ गया वे अज करम लैके आ गया वे अज फजल लैके आ गया अज मेहरबानी लैके आ रहा है हजरात जुमले सुनिया रे इस वास्ते सुल्तानी कह रहा है वमा हर सल्ला का इल्ला रहमतन लिल आलमीन नबी वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन जिवे मेरा नबी सजिया इंज नबी सजिया कोई नहीं जिवे मेरा नबी आया इंज नबी आया कोई नहीं जिवे मेरा नबी अरशां ते गया है इंज नबी अरशां ते गया कोई जिमें हजूर जिमें कमली वाले आए ने हजूर दा आना भी अल है हजूर दा दुनिया तू जाना भी मेरे नबी ने फरमाया मेरा दुनिया तो आना भी तुहाडे वास्ते बायसे बरकत ते मेरा दुनिया तो जाना भी तुहाडे वास्ते बायसे इधर देखो बायसे थोड़ा थोड़ा अगे आओ यार क्यों भी डरते होने तू लंगर लभना सोना थोड़ा थोड़ा अगे तशरीफ लाओ पीछे जगह खाली हो जाए जी तवज्जो जी बचो बह जाओ पुत्र थले सुकून रौला नहीं पाना हजरत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह बाबा जी गल सुनियो इमाम शरफुद्दीन बुसीरी नु फालज हो गया जिवें तुहानू होया सी ना ते मैं दसन लगा कि सोहना कर्म किवें करदा सोहना मेहरबानी किवें करदा साडा अकीदा है कि हजूर कर्म करदे ने हजूर मेहरबानी ओए मैनू ईमानदारी ना दसो जे सोहना कर्म नहीं करता पे तो दुनिया मदीने की लैन जा रही है तो वजह तो करो बाबा जी जो घर वाला ही घर ना हो लोग घर जाते लोग आते घर ही कोई नहीं तो उत्थे की लैन जाना
ओए मैं उन्हें मौलवियों को कहना चाहना खुदा का खौफ करो, हजूर मदीने मौजूद ने तो पूरी दुनिया मदीने जा रही है, पूरी दुनिया के मौलवी मदीने जा रहे हैं। क्यों? कि वेड़े वाला घर वाला कायनात का मुस्तफा मदीने मौजूद है। बाबा जुमले सुनिया जे, इमाम शरफुद्दीन बसीरी ना फालज हो गया, आपने बड़ा इलाज करवाया, बड़े डॉक्टर कोल गए, बड़े हकीमा कोल गए, बड़े तबीबा कोल गए, किसी की दवाई असर नहीं पी करती। किसी हकीम का इलाज किसी तबीब का इलाज ये असर नहीं पिया करता। एक दिन ना आप इधर वेखियो, बड़े परेशान होकर कमरे च बैठे तो दिल में ख्याल आया वही दुनिया को तो मायूस हो गया, तो दुनिया ने कुछ दिता, दुनिया के डॉक्टर को इलाज होया, दुनिया के तबीबा को इलाज होया, तो क्यों ना मैं सोने की नात लिखा। वो बोलो तो सही सुभान अल्लाह, क्यों ना मैं हजूर की नात लिखा। उन्हें कसीदा बुरदा शरीफ जेड़ा अजकल मौला असली वसलीम दाई मन आबादा, हर मदरसे के अंदर एक कसीदा पढ़िया जाता है, पढ़ाया जाता, बच्चों को सिखाया जाता है। जमील साहब उन्होंने एक कसीदा लिखा नबी पाक की शान के अंदर, हजूर के मकाम के अंदर, हजूर के मरतबे के अंदर। तवज्जो फरमायो, नगौर आ लियो, जो कसीदा लिख लिया, कसीदा लिख गए तो उन्होंने ना वो परची जिस ते लिखा सी ना सौण तो पहला अपने सराहने रख ली, वह परची जिदे ते कसीदा बुरदा शरीफ लिखा सी वह परची उन्हें सराहने रख ली। तो दिल में पता की सोचते पे ने कदी तो सोना आएगा, कदी तो सोना, कदी तो महबूब, कदी तो दिलबर जानी आएगा तो सोहना कर्म करेगा। बाबा अद्धी रात का वेला है, अख लगी हुई है, अद्धी रात का वेला है, आंदे ने मैनू इंज लगे जिमें मेरे कमरे में ना रोशनी रोशनी हो गई, नूर ही नूर, पूरा कमरा जगमग, पूरा कमरा रोशनी नाल जगमग 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 पै करता है। तो कोई कहन वाला मैनू कहता है बसीरी नजर खोल के वेख कमली वाला आ गया, हाय 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 हाय, नजर खोल के वेख हजूर मुस्तफा रहमत बन गए, हजूर करम बन गए, हजूर रहमत बन गए। मेरा तो ईमान है इमाम शरफुद्दीन बसीरी रहमत यह रोंदे खुली रखी नवाल बारे खुली रखी नवारे ओडे किसान मदनी ते कदों आवेगी मेरे सोने दी सवारी, कदों आवेगी मेरे सोने दी सवारी, ओडी किसान मदनी दे। हजरा जुमले सुनिया ने, अद्धी रात का वेला नबी आ गए, हजूर आ गए, करम बन गए, फजल बन गए, मेहरबानी बन गए। हजूर ए पासा मारिया गया, खब्बा पासा नबी पाक ने अपनी रहमत हाथ फेरिया, इधर नबी पाक का हाथ फेरदा जा रहा, इमाम बसीरी का फालज दूर होता जा रहा। इधरों हाथ फिरिया, इधरों फालज ठीक होया कि ना होया, बोलो हो गया। सुबह उठे, फजर की नमाज पढ़ी, मस्जिद चले गए, दुनिया हैरान। उन्हें कहा शरफुद्दीन तेन तो फालज होया, तू तो उठ नहीं सकता, तू तो बह नहीं सकता, अज की होया? उठ के आप ही मस्जिद आ गई, मस्जिद आ गई, वजू करके आया। फरमाया लोगो सुनो, जिस नबी नू मैं होका मारिया सी सोना आ गया, हजूर आ गए, हजूर करम कीता सी, हजूर मेहरबानियां कीतियां ने। बाबा जुमले सुनो, इन्नी गल कीती ते सारे परेशान। फजर दी नमाज पढ़ के ना इमाम शरफुद्दीन बसीरी रहमतुल्लाह अलैह, बाबा जी तवज्जो करे, इंज ना बाजार दे विचों दी जा रहे ने,
ते रस्ते विच एक दरवेश बैठा है, एक फकीर बैठा है, एक कल्ला वाला बैठा है। इमाम हुसैनी जी ना उधर ते नजर ना पाई, जो मैंने सुने ते कोलों भी नंगे, जदों कोलों भी नंगे ना तो उन्हें आवाज मारी, उन्हें क्या शरफुद्दीन अज सानू लिफ्ट ही नहीं करांदा, अज साडे वल वेंदा ही नहीं, अज साडे वल नजर ही नहीं कीती। इमाम शरफुद्दीन बसीरी आंदे ने अल्लाह की कसम मैं जिंदगी च पहली बारी उस दरवेश नूं वेख्या सी, जिंदगी च पहली बारी उहदे ते नजर पई सी, पहला उहनूं वेख्या ही नहीं सी। मैं उहदे कोल टुर गया, जमील साहब जिमले सुने उहदे कोल जाके बह गया। मैं क्या बाबा जी तुसी कौन हो? फरमाए शरफुद्दीन किहो जिहियां गल्लां करना है जो राती होया तू दसना है कि मैं दसा? क्या बात है, जो राती फजल होया जो राती करम होया वो तू दसना है कि मैं दसा? इमाम बुसीरी कहंदे ने मेरे जिस्म ते कब कभी तारी, मैं कंब गया गल सुन के। ऐसी जे तू पिंडू बाहर निकलीए ते रस्ते विच कोई बाबा खलोता होवे ते आखे जमील जो तेरे नाल होया तू दसे कि मैं दसा, ते बंदा परेशान हो जाता है कि यार मेरी गल इनू किवें पता है, राज दी गल इनू किवें पता है। इमाम शरफुद्दीन बसीरी आंदे ने मैं हाथ बन्ने, आए हाय हाय जुमले सुनन वाले ने, मैं हाथ जोड़े, हाथ जोड़ के आख्या बाबा जी तुहानू किवें पता लग्या? फरमाया चलिया जदों हजूर आए सन ना ते सवा लख वली इस्तकबाल वास्ते सामने खड़े सन। गौस पाक दाता अली हजवेरी तो लैके बाबा फरीद तक, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी तक सारे वली हजूर दी राह विच खलोते ने ते इस्तकबाल करन आए सन। बाबा जदों सोना आउंदा है ना ते कर्म करके जांदा है। एक यहूदी सी, यहूदी आ गल बड़ी सुनन वाली, वह बाबा जी उहदी अखां खराब हो गईआं, मदीने दी गल सुना रहे, अखां खराब हो गईआं, बड़ा इलाज करवाया लेकिन किसी तबीब कोलों आराम ना आया। उहदी कोई धी सी यहूदी दी, उहने किसी ने दस्सिया उहदी धी नूं कि अगर तू अपने आपे दीआं अखां ठीक करनियां ने ना ते मदीने विच इक सोहणा वसदा है। उच्ची बोलो यार सुभान अल्लाह, कि पिंड कोई नहीं इत्थे रवाज सुभान अल्लाह कहण दा। एक मदीने विच तबीब वसदा, एक मदीने च सोहणा वसदा, तू उहदे कोल टुर जा ते तेरे प्यो दी अखां ठीक हो जाणगीआं। उहने कहा ठीक है, उहने कहा ना की है, बच्ची सी ना छोटी, नाम है मुहम्मद सल्लल्लाहु, दरूद पढ़ो यार एक बारी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम, ना है सोहणे दा मुहम्मद। जुमले बड़े वड्डे ने, जदों इन्नी गल कीती ना वो टुर के पुछदी पछांदी, तवज्जो करियो बाबा जी गल बड़ी सुनन वाली, जिथे नबी पाक दे कदम लगे सन कदम, उस बच्ची ने ना उथों थोड़ी जी मिट्टी चुक ली। जिथे हजूर दे कदमे मुबारक लगे सन उथों ने थोड़ी जी मिट्टी चुक ली, मिट्टी चुक के उन्हें शहपर च पा ली, पा के ना ते घर टुर गई ते प्यो नूं आंदी अब्बा जी अज तुहाडियां अखां दी दवाई लैके आई आ ते मैनूं यकीन है अज अल्लाह तुहानूं शिफा अता फरमा छड़ेगा, अज अल्लाह तुहानूं शिफा अता फरमाएगा। बाप यहूदी सी, उहने आख्या धीए कोई चंगा तबीब मिल गया, कोई अच्छा डॉक्टर मिल गया अखां दा? कहन लगी अब्बा अज जिहड़ा अज डॉक्टर मिलिया, अज जिहड़ा तबीब मिलिया, कायनात अंदर उहदे वर्गा तबीब बन गए। बोले अज हथ चुके उहदे वर्गा तबीब बन गए, कोई नहीं आया जिवें मुस्तफा तबीब बन के आए ने, जिवें मुस्तफा शिफावां वंडन आए ने। हज़रात तवज्जो करो, इन्नी गल कीती उहने कहा दवाई दे मैं खावां, उहने कहा अब्बा खाण वाली नहीं अखां च पाण वाली, खाण वाली नहीं अखां च पाण वाली। उहने कहा अच्छा कोई सुरमा दिता ने? जी अबू जी सुरमा ही दिता ने। इधर तवज्जो करियो नगौर आलिया, अल्लाह की कसम है तेरे दिल च सट वजेगी। जदों इन्नी गल कीती ना उन्हें सुई लई सुरमेदानी विचों सुरमेदानी कढ गए, उन्हें नबी दियां कदमां नाल लगन वाली मिट्टी अखां विच लाई। हाय हाय हाय,
उन्हें हजूर दे पैरा नल कदमा नल कदमा नल कदमा नल न लैन न लगन वाली मिट्टी जदों एक सलाई सजी अख विच एक सलाई खब्बी अख विच जेड़ी अख विच मिट्टी लगदी जा रही है अल्लाह अखां दा नूर दई जा रहा है जेड़ी अख विच हजूर दी मिट्टी हजूर दे कदमा न लगन वाली हजूर दे न लहन न लगन वाली जमीर जेड़ी अख विच मिट्टी पैंदी है अल्लाह शिफावां दे छड़िया अल्लाह अखां दा नूर दे छड़िया हजरा जुमले जाया न करिया रे जदों अखां दा नूर मिल गया कहन लगा नीती है मैनू उस तबीब कोल लै जा जिदे सुरमे विच इना असर है उन्हें आख्या बाबा नाना मैं तेनू उस तबीब का पता नहीं देना मैं तेनू उस तबीब को लैके नहीं जाना यहूदी कह लगा दिए क्यों नहीं लैके जाती आखन लगी अब्बा उस तबीब नू तू मनना कोई नहीं ओदी शान का तू मुनकर है ओदे मकाम का तू मुनकर है आखन लगा नीती है दस मैनू उस तबीब का ना की है उस हकीम का ना की है सुन न कोर आ बैन बोल के कहन लगी बाबा उस तबीब नो मोहम्मद दे रिसाल नाराए हैदरी शाने मुस्तफा शाने मुस्तफा तबीब दा नाम मुहम्मद सल्लल्लाहो जदों हजूर दा नाम है दरूद पढ़िया करो सल्लल्लाहो फिर पढ़ो सल्लल्लाहो अलैहि व आलिही मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा मेरे ते सब नालों ज्यादा दरूद पढ़ेगा वह क्यामत वाले दिन ओना ही ज़हरा दे बाबे दे नेड़े होएगा ये दरूद दी बरकत ਇਹ ਦਰੂਦ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਇਹ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੱਸਣਾ ਜੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਦਰੂਦ ਇਹ ਦਰੂਦ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਨਗੋਰ ਵਾਲਿਓ ਇਹ ਦਰੂਦ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਓਨੀ ਕੁਰਬ ਦੇ ਰਸੂਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਜਾਏਗੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਅਲਲ ਐਲਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਉਹ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕਰੀਮ ਉਹ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਨੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਗੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਉਹ ਨਬੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਤਵੱਜੋ ਯਹੂਦੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਧੀ ਨੂੰ ਤਬੀਬ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਦੱਸ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਅਜਮੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਇਆ ਨਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਰਾਮ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਪੁੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਸ਼ਿਫਾ ਰੱਖ ਛੱਡਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 50,000 ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆਰਾਮ ਨਾ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ 200 ਰੁਪਇਆ ਦਵਾਈ ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਖਾਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼ਿਫਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ਿਫਾ ਅੱਲਾ ਦਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਪੁੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਸ਼ਿਫਾ ਰੱਖ ਛੱਡੇ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਸ਼ਿਫਾ ਰੱਖ ਛੱਡੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤਵੱਜੋ ਧੀਏ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਦੱਸ ਉਹ ਤਬੀਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਧੀ ਰੋ ਪਈ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਅੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਾਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਧੀਏ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਆ ਸੁਣੋ ਨਗੌਰ ਵਾਲਿਓ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਅੱਬਾ ਜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣ ਉਸ ਤਬੀਬ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਹੈ ਆਏ ਹਾਏ 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 ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਅੱਜ ਜਮੀਲ ਤੇਰੇ ਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤਬੀਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਮੁਜਤਬਾ ਕਾਸਿਮ ਅਵਲ ਆਖਿਰ ਐਸਾ ਨਬੀ ਜਿਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਨਾ ਕਾਸਿਮੁਨ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੰਡਦਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ
ਵੰਡਦਾ ਜਾਣਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਜਦੋਂ ਤਬੀਬ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਂਦਾ ਕਿਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਦਵਾਈ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਨਗੌਰ ਬੈਠਾ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਆ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਰੋ ਪਵਾਂਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੁਮਲੇ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰਿਆ ਨੇ ਹਲਲ ਐਲਾਨ ਜੁਮਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਤਬੀਬ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਵੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਵੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਐਸੀ ਦਵਾਈ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤਬੀਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਆ ਨੇ ਇਹਨੇ ਸਲਾਈ ਲਈ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸੱਜੀ ਅੱਖ 'ਚ ਸਲਾਈ ਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨੇ ਅੱਖਵੇਂ ਸਲਾਈ ਮਾਰੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨੇ ਦੂਸਰੀ ਅੱਖ 'ਚ ਸਲਾਈ ਮਾਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਅੱਖ 'ਚ ਮਾਰੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਅੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੀਨ ਹੱਥ ਬੰਨ ਲੈਣੇ ਹਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਬੀਬ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਰਨ ਆਇਆ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਰੋ ਯਾਰ ਨਾਰਾ ਏਡੇ ਮੱਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨਾ ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਖੈਰਾਤ ਉੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਤਵੱਜੋ ਪਹਿਲੀ ਅੱਖ 'ਚ ਸਲਾਈ ਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਸ ਨਬੀ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਸ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤੀ ਫਿਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅੱਖ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਅੱਖ 'ਚ ਮਾਰੀ ਦੂਸਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵਾਹ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ ਵਾਹ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਰ ਛੱਡਾਂ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਲੈਣਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖਾਕ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਮਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ ਫਿਰ ਮਰਨ ਤੱਕ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਅਦਾ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲੇ ਅਬਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ 'ਚ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਇਹ ਖਜੂਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰੇ ਰਹਿਮਤ ਪਾਇਆ ਜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਓ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਥੈਲਾ ਫੜਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਥੈਲਾ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਕਿਹੜਾ ਹੱਥ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਕਰਮ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਰਮ ਦਾ ਹੱਥ ਖਜੂਰਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਤੋਂ ਗੰਢ ਮਾਰ ਲੈ ਮੈਂ ਬੁਖਾਰੀ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੁਖਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਇਤ ਮੌਜੂਦ ਮੈਂ ਵਖਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਤੋਂ ਗੰਢ ਮਾਰ ਲੈ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਆ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਪਿੰਡਦਾਰ ਆਏ ਸਭ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਵੱਜੋ ਜੁਮਲਾ ਵੱਡਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਿਲਾਲ ਜੀ ਆਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਇਸ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਜੂਰਾਂ ਕੱਢ ਲਈ ਤੇ ਖਾ ਲਈ ਥੈਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੀ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਵਿਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹ ਖਜੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਲੋ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 5 ਕਿਲੋ ਹੋਣਗੀਆਂ 5 ਕਿਲੋ ਖਜੂਰਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ 5 ਕਿਲੋ ਖਜੂਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ
ते बिलाल आंदे ने मैनू रब्बे काबा की कसम है जिन्नियां खजूरां छड़ना सन जिन्नियां निकलदियां सन ओनियां फिर विच पूरियां हो जांदियां सन। हाय हाय ओनियां पूरियां हो जांदियां सन। कहंदे ने एक दिन मैं वेख लिया कि मैं खोल के वेखा तो सही ये खजूरां मुकदियां क्यों नहीं पियां। सुनन गौर आलियो हजरत बिलाल आंदे ने जदों मैं वो खजूरां दे उत्तों रस्सी खोली ना तो विचों नज़र पाई जिस दिन मैं खजूरां वेख लईआं फिर दो चार दिन ही लगे ने खजूरां मुक गईआं। कहंदे ने मैं सारी जिंदगी पछतांदा रहा। अल्लाह की इज्जत की कसम है मेरा नबी वो करम करदा हजूर मेहरबानी करदे ने कोई बंदा मंगण वाला होवे सही कोई जोली फैलाण वाला होवे सही कोई खैर मंगण वाला होवे सही। ओए मैनू ईमानदारी ना दसो पेंडा लियो दुध दा प्याला होवे एक ते बंदे होण सत प्याला होवे एक ते बंदे किन्ने तू मैनू पिया के विखा। जेड़े आंदे ने नबी साडे वर्गे ने नाउज़ बिल्ला अस्तगफिरुल्ला केड़ी सोच लैके तू किताबां पढ़ियां ने की लैके तू इलम हासिल कीता है। जे तू 10-12 साल पढ़ के भी तू नबी पाक नूं अपने जिहा आखना सी बशर मनना सी अपने जिहा बशर मनना सी फिर लोड़ ही कोई नहीं सी। नबी पाक 70 साहबा बैठे ने सारियां नूं प्यास लगी दुध दा प्याला आया नबी पाक ने आप ही नहीं पीता। ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਹਦੀਸ ਵੀ ਤੇ ਸੁਨਨਤ ਵੀ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਦਕੇ ਦੀ ਆਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਸਦਕਾ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਬੀ ਤੇ ਸਦਕਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਦਕੇ ਦੀ ਆਉਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਤੋਹਫਾ ਆਉਣਾ ਨਾ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਹਦੀਸ ਔਰ ਇਹ ਖਾਣੇ ਦੇ ਆਦਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ कि जो कोई चीज आवे ना तुसी तकसीम करनी है तो किधरों करनी है ऐ सेख लो भाजी सेख लो सज्जे पासे शुरू करनी है। एक दिन मदीने विच नबी पाक बैठे ते खजूर आई बड़ी आला नसल दी साहबी लै के आया ते नबी पाक दा ममूर से आप सज्जे पासे शुरू करदे सन ते सज्जे पासे बच्चा बैठा सी छोटा जिहा ते खब्बे पासे अबू बकर सदीक बैठे सन। ऐ सुनो लोगो सुनो मैं इस्लाम पे दसना मैं शरीयत नबी पाक दी सीरत पे दसना सुनो तकरीर ए नहीं होंदी वी जिहदी समझ ही ना आवे ना मौलवी साहब नूं ते ना बंदियां नूं तकरीर ओह होंदी जिहड़ी तेरे दिल ते लगे जिहड़ी गल दा असर हो जाए जिहड़ी गल ते अमल हो जाए। क्यों अलामा मुहम्मद इकबाल ने फरमाया सी अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये हाकी अपनी फितरत में ना नारी है ना नूरी। और मां दे पेट विच नहीं कोई जन्मी ते जंती बन के आया इत्थे दुनिया दे आके बनना जे जे लोकां दीआं जमीनां ते कब्जे करोगे ते जन्नत कदी नहीं मिलनी जे लोकां नाल ज़ियातियां करोगे ते जन्नत कदी नहीं मिलनी। जन्नत उहनूं मिलनी है जिहड़ा अल्लाह ते उहदे रसूल दे दसे होए रस्ते ते अमल करेगा। आखिरी गल कर लगा जुमले सुनिया जो नबी पाक ने ना जमील साहब प्याले विच हाथ रखिया प्याले विच इन्नी बरकत पई नबी पाक ने फरमाया सब नूं दुध दिओ 70 सहाबा ने दुध पीता। मेरे को ये हदीस मौजूद है मेरे को रवायत मौजूद है बाबा जी 70 सहाबा दुध पी के थक के रज गए ऐ नहीं वी इक्के घुट पियो दुध थोड़ा 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 पियो। सहाबा कहंदे ने असा रज के दुध पीता ते सारे सहाबा रज गए ते दुध ओने दा ओना ही दुध मुकिया। ये हजूर दी करम नवाजी ये मुस्तफा दी करम नवाजी है। और जो हजूर जो चाण कर सकदे हजूर जिस तरह चाण कर सकदे बाबा जी मैनू ईमानदारी ना दसो जदों दुनिया तो टुर जाना किसे काम नहीं आना मैनू ईमानदारी ना दसी कबर विच किन्ने काम आना हजूर ने हशर विच किन्ने काम आना। 1.25 लाख नबी जमील साहब 1.25 लाख नबी हाथ बन के खलोवे ने अल्लाह दे सामने हाय हाय या रब्बे नफसी नफसी या रब्बे नफसी नफसी या अल्लाह मैनू बचा या अल्लाह मैनू बचा। हजरत ईसा कहणगे या अल्लाह
अज मां का सवाल भी नहीं, अज मैनू बचा। हजरत मूसा आखणगे या अल्लाह मैनू बचा, हजरत इब्राहिम आखणगे या अल्लाह मैनू बचा। सारे नू आपो आप ही पई होएगी। दुनिया आखेगी भी तुसी तुहानू ते अपनी अपनी पई है, ते असी किदे वल जाइए। हजरत ईसा आखणगे तुसी दरे मुस्तफा ते जाओ, तुसी अल्लाह दे आखरी नबी कोल जाओ। ए अल्लाह दा आखरी नबी तुहाडी मुश्किल हल कर सकदा। मुस्तफा करीम हजरात तवज्जो, दो चार मिनट रह गए, जुमले सुनिया जे। नबी पाक कोल सारे आ जाणगे, सारे इकट्ठे होके हजूर कोल आउणगे। हजूर फरमाणगे किवें आए हो, आ सुणियो जी। हजूर अल्लाह के इल्तिजा करो कि हिसाब किताब शुरू किया जाए। हजूर बर्दाश्त नहीं हो रहा। नबी पाक फरमाते ने मैं अल्लाह के सामने सजदा रेज होवांगा, की करांगा, अल्लाह के सामने सिर सजदे विच रखांगा, ते रो के आखांगा मौला जिन्नी जिन्नी दुनिया ने तेरे सामने जिन्ने तेरे बंदे ने इन्हां दा हिसाब शुरू कर दे। अल्लाह फरमाएगा सोहणिया सिर चुक, जिवें तेरी मर्जी उंज साडी मर्जी, जिवें तेरी मर्जी उंज साडी मर्जी, जिवें मुस्तफा दी मर्जी। क्यों तुहाडे विच कोई बंदा आख सकदा सुल्तानी साहब तुम्हें तुसीं किवें कह सकदे, जिवें अल्लाह दे रसूल दी मर्जी उंज अल्लाह दी मर्जी। सुनो अल्लाह कुरान च फरमा रहा है, वदुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दा का रब्बु का व मा कला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल उला वला सौफा युती का रब्बु का फतरदा। अल्लाह त्रिय सपारे दे अंदर ऐलान फरमा रहा है। अल्लाह ने फरमाया सोनिया जिवें तू राजी होवेगा असी उदों ही राजी होवांगे। युती का रब्बु का फतरदा, सोनिया तेरी रजा विच मेरी रजा है, तेरी खुशी विच मेरी खुशी है। इस वास्ते हजरत जी वकार अल्लाह दी पाक बारगाह दे अंदर दुआ करूंगा। अल्लाह करीम मेरा पढ़ना थोड़ा सुनना अपनी पाक बुलंद बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए।